दोस्तों, यूट्यूब ने हम सारे क्रिएटर के पास एक मेल सेंड किया है और उस मेल के जरिए ये बताना चाहता है कि यूट्यूब पर एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। कौन सा अपडेट आने वाला है तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पैसे यूट्यूब से यूट्यूब से टिक्स वीडियो मिलते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि न्यूज वीडियो में कि इस मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये चीजें ट्वीट किया है, ठीक उसी प्रकार से यूट्यूब हैंडल का ऑप्शन भी यूट्यूब चैनल में ऐड किया जा रहा है। हम लोग कस्टम यूआरएल सेट करते हैं @MR Rajnish जैसे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक उसी प्रकार से जो कि यूट्यूब हैंडल का ऑप्शन आ रहा है और अपने चैनल पर यानी कि हैंडल यानी कि यूजर नेम आप सेट कर सकते हैं। और यूजर नेम सेट कर लेंगे तो जो कि आपका आज का किसी के पास अपना चैनल का नाम बताएंगे तो जैसे कि होता है कि हम लोग चैनल का नाम बोलते हैं जो चैनल हम लोग का सर्च में नहीं आता है तो बहुत सारे चैनल का नाम यानी कि सेम नाम से बहुत सारा चैनल बना हुआ रहता है यूट्यूब पर और लोग को पहचानने में बहुत काफ़ी दिक्कत आता है और मेरा चैनल सर्च में नहीं आता, जिससे कि आप वो यूट्यूब लगाकर और ऐसे अपना चैनल का नाम बोलते हैं यानी कि यूजर नेम जो सेट कर लेंगे हैंडल, जिससे कि आपका चैनल जो कि सर्च में आने लगेगा जो कि फर्स्ट, इससे कि जो कि स्पैम होना भी कंट्रोल हो जाएगा यूट्यूब का, यह मानना है। यूट्यूब हैंडल का ऑप्शन कब से मिलने लगेगा सभी क्रिएटर को और इससे मिलने का क्या क्या क्राइटेरिया है यानी किन किन लोगों को मिल सकता है तो सारा चीज़ जानने के लिए दोस्तों उस ईमेल में क्या क्या लिखा गया वो सारा जानने के लिए दोस्तों ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों जो मेल कॉल आया था उस मेल को खोल लेते हैं। चलिए हम जीमेल खोल लेते हैं। खोल लेने के बाद जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा मेल आया है और यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए इस ईमेल पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर लिखा गया है इंक्लूड द यूट्यूब हैंडल, इस तरह से दिखेगा और सारा यानी कि सर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जो कि आपने पहले से ही कस्टम यूआरएल सेट किया होगा तो आपका सेम कस्टम जो कस्टम यूआरएल है वही का जो यूट्यूब हैंडल आपको मिल जाएगा यानी कि यूजर नेम को भी कह सकते हैं जो यूट्यूब हैंडल है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं जो कस्टम यूआरएल और जो कि आने वाला है जो कि 14 नवंबर से जो फीचर है जो कि लॉन्च हो जाएगा 2022 से। आप सभी चैनलों पर आपको नोटिफिकेशन भी यानी कि मिल जाएगा, मेल के जरिए भी आपको सूचित कर दिया जाएगा और YTI स्टूडियो में एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको यानी कि YouTube हैंडल का ऑप्शन मिल गया है। और दोस्तों और जानकारी के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर लर्न मोर का नीचे आपको साइड में ऑप्शन आ रहा है तो सिंपल से उस पर क्लिक कर देना है। चलिए उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप जैसा देख सकते हैं जो कि पेज लोडिंग ले रहा है और इसके बाद आप देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल का लोगो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और हमारे चैनल का नाम यहाँ पर हैंडल विल रोलिंग आउट द नोटिफाई वेन विद चूज द योर, इस तरह से आप देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर एक वीडियो भी है और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर वीडियो भी देख सकते हैं और यहाँ पर सर आप पढ़ सकते हैं यह हैंडल सर आप लिखा गया है अब इस तरह से। और देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं जो कि मैंने पहले से ही जैसा कि मैंने कस्टम यूआरएल से सेट किया हूँ जैसे कि मैं अपने चैनल पर, तो यहाँ पर सारा कस्टम यूआरएल जैसा कि आप शो कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से यानी कि अब चेंज करना चाहते हैं कि जो यूट्यूब हैंडल आएगा तो आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही 14 नवंबर के बाद जो यानी हम लोग नोटिफिकेशन मिलेगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जैसे हम लोग जैसे दोस्तों हम देखते हैं यानी कि शॉर्ट वीडियो हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या मिलेगा यानी कि यूट्यूब रहेगा और इसके बाद हमारे जो चैनल का नाम रहेगा वो आ जाएगा। और भी देखिए सर क्या लिखा गया। और दोस्तों हम लोग जो भी हम चैनल जो होता है जो सर्च में नहीं आता है अगर यूट्यूब लगाकर जो आपका चैनल का नाम है वो आप सर्च करेंगे तो आपका जो चैनल है वो सर्च में यानी फर्स्ट रैंक पर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी के साथ कोलाब करना यानी कोलाब्रेशन करना चाहते हैं यानी किसी के साथ तो आप उनको चैनल को मेंशन कर सकते हैं देख सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारा फीचर है आप देख सकते हैं और साथ में आपको जो आपका चैनल का प्रोफाइल रहेगा वहाँ पर आपको यहाँ पर एक आपका चैनल का नाम रहेगा और सारा एड्रेस लगा कर जो रहेगा इस तरह से आप अपने किसी को कमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कम्युनिटी उम्युनिटी में। ये सारा अपडेट आने वाला है 14 नवंबर को। आप अपने चैनल से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। अगर यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें। तब तक बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।